नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। इस वक्त तस्कर मनीष तिवारी से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर पुलिस ने जिस तरीके से दबिश दी थी मनीष तिवारी के घर पर और वहां से कई दस्तावेज जब्त किए थे। उसके बाद माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में यहां के जमीन के दस्तावेज मिले हैं, साथ ही कई डोरा चुरा तस्करों के नाम मिले जो कोडवर्ड में लिखे थे। इसे लेकर पुलिस ने अब प्रेस नोट जारी किया और किस तरीके की जमीन और कितनी बड़ी संख्या में लाखों रुपए की जमीन यहाँ से दस्तावेज जमीन के दस्तावेज मिले, जो हमारे पास जानकारी है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्कर मनीष तिवारी से जुड़ी खबर है। अगर जो हमारे पास प्रेस नोट है जिसमें पुलिस ने लिखा है कि ग्राम साड़िया से तकरीबन 3 लाख रुपए की जमीन वहां पर मिली है, साथ ही इसकी नंबर 36 में 2 मंजिला मकान मिली है जिसकी कीमत 39 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो तिलक नगर में भूखंड क्रमांक 18/19 की कीमत 28 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ चौथखेड़ा में तकरीबन 4 बीघा जमीन मनीष तिवारी के नाम पर मिली है जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो कुल इस राशि को मिलाकर बात किया तो 1,30,00,000 रुपए की संपत्ति पुलिस ने यहाँ से मिली है जिसके दस्तावेज मिले, जो हम आपको जानकारी सबसे पहले बता रहे हैं। उसके साथ अगर बात की जाए तो ये पूरा जो जमीनों का खेल ये मनीष तिवारी ने पिछले 3 सालों में किया था। 3 साल के दस्तावेज है जिनपे तारीखें मेंशन है। ऐसे माना जा रहा है कि 3 साल में मनीष तिवारी ने इतनी बड़ी आतुर संपदा इस काले कारोबार के जरिए बना ली थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और इसमें ये खुलासा हुआ है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मनीष तिवारी के कुछ बैंक अकाउंट भी मिले जो पुलिस ने सीज किए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगर उन बैंक अकाउंट की बात की जाए तो कितने बैंक अकाउंट में, ये भी आपको बता दूं। अगर बात की जाए फिक्स डिपॉजिट की, साथ एफडी कुल राशि 16,19,000 रुपए की मिली है। साथ ही अगर बात की जाए बैंकों की 8 चेकबुक और 8 ATM कार्ड तथा 12 वाहनों के दस्तावेज भी पुलिस को यहां से मिले, उनके घर से जब्त किए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो नकदी भी पुलिस ने यहां से जब्त की है जिसकी कीमत 5,64,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो मनीष तिवारी और उसके परिवार के अन्य जो सदस्य है उनके बैंक खाते भी पुलिस ने सीज किए हैं। इस वक्त की हम आपको सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो पुलिस ने इस प्रेस नोट में एक बात यह भी लिखी है, मनीष तिवारी के घर से एक डायरी बरामद हुई है। उस डायरी में कोड वर्ड में कुछ तस्करों के नाम लिखे हुए हैं जिसको पुलिस डिकोड करने में लगी हुई है, जिसके बाद और भी बड़े खुलासे इस मनीष तिवारी जो मामला सामने आया तस्कर का, उसमें कई तरह के खुलासे पुलिस कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है कि मनीष तिवारी के खिलाफ जो है सफेमा जैसी कार्रवाई की तैयारी पुलिस कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।